मेरा मैसेज आवाम को है, लोगों को है, क्योंकि ये रियासत ऑलरेडी डिस्टर्ब है, हम बॉर्डर की तरफ से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी हालात खराब हैं, और इस हालातों में हम लोग जो नेशनलिस्ट लोग हैं, क्योंकि नौशहरा हमेशा, चाहे सुंदरबनी है, चाहे नौशहरा, चाहे कालाकोट, इवन कृष्ण रजौरी पहुँच जो भी है, ये लोग हमेशा इस देश के साथ चले हैं और हमेशा देश की मदद की है, चाहे जंगें हुई, चाहे इंटरनल मसले हुए। तो लेकिन है कि आज हमारे लोग देखिए बाजार बंद करके, दुकानें बंद करके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, मजबूर हो गए, क्योंकि इनकी डिमांड है, और ये डिमांड आज की नहीं है डिस्ट्रिक्ट की, ये काफ़ी पुरानी मास्टर बलराम जी के टाइम की डिमांड है, और हमसे उसमें भी धोखा हुआ था जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाने की बारी आई तो ये रजौरी चला गया था। लेकिन चलो पिछले जो हो गया माजी को हम यहाँ रिपीट नहीं करना चाहेंगे, ना उसको डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन आज ये डिमांड जो निशारा की है पुरानी डिमांड है और बर्निंग डिमांड है, और एक आप हम इसको हम इसलिए जस्टिफाई करते हैं कि आज सरकार को यहाँ जब ये आप डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, निशारा में डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, तो यहाँ कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना, आपने कोई नई पोस्टें क्रिएट नहीं करनी, हर चीज़ यहाँ पे, हर महकमा, चाहे पुलिस का एडिशनल एसपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील है यहाँ, देखिए हमारा किला दल की तहसील है तो वहाँ का तहसीलदार वहाँ बैठ रहा है ना, वो जाके निशारा में थोड़ा बैठ रहा है, ऐसे लंबीड़ी के जो है लंबीड़ी बैठे हैं, भवानी के भवानी में बैठ रहे हैं, शेरी वाले शेरी में बैठ रहे हैं, तो लिहाजा निशारा में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है सरकार ने, इतने सालों साल लगाए और एक दिन में तो ये खड़ा नहीं हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई कुछ नहीं करना, खाली एक एडिशनल डीसी यहाँ पे बैठाना, लोगों की डिमांड तो डिस्ट्रिक्ट बनाने की है, लेकिन वो उनकी डिमांड जायज है, वो तो हम तब भी हमेशा हम कहते हैं, जब भी कोई मीटिंग होती है हम कहते हैं कि निशारा डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, बट आज हम ये कहते हैं कि जब आपने काफ़ी सारे इलाकों में एडिशनल डीसी बैठाए हैं, तो खासकर जैसे बिलावर में बैठाया आपने, कठुआ के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो एडिशनल डीसी बैठा दिए, और बिलावर और पचोली दोनों जगह बैठा दिए, तो आप रजौरी में भी दो बैठा दीजिए, एक कुंडरंका बैठा दिया आपका शोक बहुत बहुत शुक्रिया, एक दूसरा आप निशारा में बैठा दीजिए, तो लिहाजा मैं जहाँ तक इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है कि सुंदरमणि वर्सेज निशारा या निशारा सुंदरमणि वर्सेज कालाकोट, बात वो नहीं है, और कोई लीडर ये ऐसे कर रहे हैं तो कौम को गुमराह कर रहे हैं। और अहम तरीन सवाल यह है, जहाँ तक रविंद्र रैना साहब हैं, उनके अपने विचार हैं, अपनी सोच है, मैं उसकी सोच का कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँ, आपने डिस्ट्रिक्ट बनाना, ठीक है आप सीओट बना दें, कब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, आपने कब से सुंदरमणि के अंदर एसडीएम बैठाया हुआ है, तहसीलदार बैठाए हैं, क्या आज तक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, एसडीएम के पास तो गाड़ी भी नहीं है, तहसीलदार के पास आप जाएँ, तहसील ऑफिस जो सुंदरमणि है वहाँ की कंडीशन क्या, पूरा तहसील ऑफिस गिरा हुआ है, वहाँ कमरे नहीं उनके बैठने के लिए, तो इसलिए ये बातें जज्बात में नहीं करनी चाहिए, ये कोई जंग थोड़ी है। हाँ ठीक है, एक वक्त था जहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट बने, एक वक्त था निशारा बने, एक वक्त आएगा सुंदरबन भी बनेगा, बट पहले वो क्वालिफिकेशन पे क्वालिफाई करो ना भैया, बात करेंगे, और उन्होंने मैडम जो हमारी हैं उनके महबा जी चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, उनसे भी बात करेंगे और मिलकर हम जो फैसला होगा यहाँ का करेंगे, लेकिन कोई बड़ा इश्यू इतना नहीं है। लेकिन मैं आपको साफ कहता हूँ कि ये डिमांड आज की नहीं है ना, सुंदरबन तो आज डिमांड कर रहा है ना, लेकिन निशाला कब से डिमांड कर रहा है, इसलिए इसको लड़ाई मत बना दो। मैं आप पत्रकार महोदयों से भी कहूंगा कि आपकी आपके लिए मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है, आप भी कैसा, आप भी क्योंकि आप भी लोगों को समझा सकते हैं, ये रियासत पहले ही एक बिखरी हुई है, आज ये रियासत में पहले हालात ठीक नहीं है, कोशिश आप लोग भी ये करें कि ऐसे लोगों का जो एक दूरियां ना बने, जिससे सारे इकट्ठे होकर एक फैसला जाए।